संस्कार से चीजें बदलती है, तो बटाटा इसलिए देते हैं कि दूसरी सब्जियों से ये कम से कम अच्छा है। कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये जो बात है वो हम समझते नहीं हैं और कहते हैं कि भई ये बटाटा है, भात है। एक बात बता दूं, बटाटा जो है वो रात दिन सुबह शाम अलग अलग फॉर्म्स में खाएंगे तो खराब है। मैश पोटैटो ही सिर्फ खाएंगे तो खराब है, लेकिन बटाटा जो है वो थोड़ा मैश खाया, थोड़ी उसकी सब्जी बनाई, थोड़ा उसको आधा सेक के घी के ऊपर फ्राई जैसे बना के खाया, उसको रोस्ट करके खाया, ऐसे थोड़ा 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 दिन भर किसी पे आ गया तो बटाटा बिल्कुल, इतनी सारी सब्जियां कुछ ना कुछ बीमारी लाएगी, बटाटा बिल्कुल नहीं लाएगा। और दूसरा, बटाटे में क्या है, फ्राई बनता जाएगा, मतलब इसके वेफर्स बनेंगे, वो चार वेफर खा के भी नुकसान है, ये समझिए वेफर। तो उसकी परिस्थिति, हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है संस्कार से चीज़ें बदलती है, तो बटाटा इसलिए देते हैं कि दूसरी सब्जियों से कम अच्छा है। कोई भी सब्जी दो तो किसी को वात बढ़ेगा, किसी को पित्त बढ़ेगा, किसी को कफ बढ़ेगा, तो क्या फायदा है। तो हम लोग यहाँ बटाटा रखा है एक सब्जी के जो कम से कम कोई भी खा सकता है, और दूसरा हमने क्या रखा है इसके साथ, राइस, क्योंकि रोटी जो है वो आप लोगों ने, एक दिन था एक भारतवर्ष में हमारे लोग थे जो गेहूं में से ग्लूटेन सेपरेट करके खाते थे और सब वॉरियर थे, ताकत ग्लूटेन की है, लेकिन आपको ग्लूटेन पचता नहीं है, किसी को धातु बिल्कुल नहीं है, जीरो काउंट आता है स्पर्म का, और बोले हमको बाल बच्चा चाहिए, मैं उनको कुछ दवा दे दूं, तो चौथे दिन आते हैं वापस बोले कि सर जुलाब होते हैं। तो जुलाब क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो दवा दी है वो धातु की दवा ताकत है, तो पचती नहीं आपको, आपको तो गेहूं नहीं पचता, ताकत की दवा क्या पचाएंगे आप। उसका सिरा बना के खाना है, मूंग के हलवा बनाने के खाना है, और उसके अंदर कुछ दवा डालनी है, आपको पचेगी क्या। सो कहने का मतलब ऐसे है कि गेहूं पचता नहीं है, बाजरी रोटी एक शुद्र धान्य है, ज्वारी बाजरी है, तो कम से कम राइस है वो, और हमको एकदम पूरा उपवास तो करवाना नहीं है, सुबह नाश्ते में लाया देते हैं बना, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल फूड है, वो लाया तो आधा घंटे में पचती है, एक तो षष्ठीशाली है, मतलब है उसको 60 दिन में पका हुआ राइस है वो, और दूसरा है कि कुछ खाया लगा गया कि पेट साफ, मतलब पचन हो जाता है उसका,